असलम स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर फाइन ओके ना टूडे इज डे नाइन आज हमने कौन से डे की वर्किंग करनी है बेटे डे नाइन की ओके ना ओपन योर साइंस कॉपीज फस्ट वी विल ड्रॉ अ मार्जन लाइन विद द गैप ऑफ टू फिंगर्स ओके ऑन द टॉप ऑफ द लाइन ऑन लेफ्ट साइड वील राइड द डेट इन देंटर ऑफ द लाइन वी विल राइड ख वो क्लास वर्क ओके ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइन वी विल राइट द डे ऑन द फर्स्ट लाइन वी विल राइट यूनिट नंबर वन यूनिट नंबर वन ओके इसी के सामने हमने लिखना है पार्ट पा ए रटा पार्ट टू ये यूनिट नंबर वन का पार्ट टू है ओके नाउ हेर इज द नेम ऑफ द पार्ट टू योर सेंसेस या ओ आर अ योर स ई न स ई स सेंसेस ठीक है बेटे आज हमने वो कैबलरी वर्ड्स करनी है तो हम यूनिट का नेम राइट करने के बाद थर्ड लाइन पे क्या राइट करेंगे वकैबलरी वर्ड्स वो ओ ख ए री व कैबलरी वर्ड्स वो ओ र ड स वर्ड्स ओके ना हियर इज आवर फर्स्ट वर्ड विच इज साइट सा आई क ह ट साइट साइट मींस देखना दाल ये देखे देख नून ना देखना ओके नाउ ऑन नंबर टू डिफरेंट ड आई डबल फ ई र ई न ट डिफरेंट डिफरेंट कहते हैं मुख्तलिफ मीम खे ते मुख ते लाम फेल लिफ मुख्तलिफ बेटे ऑन नंबर थ्री हार्ट हा ई ए रट हार्ट हार्ट का तो सबको पता होता है मीनिंग पता है ना सबको हार्ट का क्या मतलब है दिल हार्ट मीन्स दिल दाला दिल ओके ऑन नंबर फोर टेस्ट हम कोई भी चीज टेस्ट करती है ना आइसक्रीम टेस्ट करती है ना कोई भी मीठी चीज हो नमकीन हो हम टेस्ट करके बताते नहीं इसका क्या क्या है ये इसमें नमक कम है इसमें मीठा ज़्यादा है तो उसका क्या मतलब होता है टेस्ट का क्या मतलब होता है चखना किसी भी चीज़ को चखना चे काफ चख है नून अलिफना चखना ओके ऑन नंबर फाइव एंड द लास्ट वर्ड इज़ टच ट ओ अख हच टच मीन्स छूना किसी भी चीज़ को टच करना उसको फील करना छूना मतलब टच छे वाव छू नून अलिफना छूना ओके ना लर्न विद मी साइट देखना साइट टा ओ अ ह टच टच मीन्स छूना किसी भी चीज़ को टच करना उसको फील करना छूना मतलब टच छे वाव छू नून अलिफना छूना ओके ना लर्न विद मी साइट देखना साइट देखना डिफरेंट मुख्तलिफ, हार्ट दिल टेस्ट, चखना टच छूना ओके ना हेयर इज़ योर फाइव वर्ड्स वोकेबलरी वर्ड्स ये आपने अच्छे से बेटे लर्न करनी है ठीक है और इनकी फॉर्मेशन देखनी है कि टीचर ने उर्दू में इनको कैसे इनके मीनिंग्स जो हैं वो राइट किए हुए हैं ठीक है जब आप लर्न करोगे तो आपने रफ़ कॉपी पर इसको लिख के दोबारा से इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए ठीक है बेटे आगे बढ़ते जाओ पढ़ना है रुकना नहीं थैंक यू